सस्रियाकाल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बीसीए न्यूज के इस स्पेशल वाली खास मुलाकात में। और आप मेरे बाजू में देख सकते हैं बहुत ही हैंडसम हैंड टाइप्स के लड़के यहाँ पे, युवा यहाँ पे बैठे। और मैं बता दूँ कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कारनामा किया है। नागपुर के ये युवा है और इन्होंने जुर्म मूवी में अमिताभ बच्चन जी के साथ स्क्रीन शेयर किया है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी चीज है। तो मेरे बाजू में जो बैठे है वो है अयांश थापर, उसके बाद जयकृत रावल और देव मिरानी, इनका नाम है। ऐसे ये तीनों हमारे साथ बैठे हैं। मैं आप तीनों से सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानकारी मिले। अयांश, आपसे शुरुआत करती हूँ। तो मैं सिंगर सॉन्ग राइटर, अभी भी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, अभी अपने बोर्ड्स दूंगा। एंड मैं जयकृत रावल एंड मैं अभी करंटली इंजीनियरिंग कर रहा हूँ रामदेव बाबा से, थर्ड ईयर में हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। I'm Dev Mirani और I have completed my graduation from Mumbai and I am currently working with my father. Okay, मैं आप तीनों से ये पूछना चाहती हूँ, मतलब कभी सोचा था कि अमिताभ जी के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिलेगा? लाइक मतलब बहुत लोगों के लिए ये बहुत बड़ी फैंटेसी है, ड्रीम है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपने अमिताभ जी के साथ स्क्रीन शेयर किया, जिन्हें सदी के महानायक हम कहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? जेन्युइनली मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिलेगा, जब तक ये आया नहीं। Okay. एक बार ये आ गया, उसके बाद भी जब तक कि अमिताभ बच्चन सामने नहीं आए तब तक कि ऐसा लग नहीं रहा था होगा। Okay. जब वो सामने आया तब ऐसा लग रहा था कि वो सामने खड़े हैं, मेरी आंखों के सामने दिख रहे थे, पर मेरे दिल को विश्वास नहीं था कि वो सामने खड़े हैं। Okay. एग्जैक्टली वैसा ही था कुछ एक्सपीरियंस, हमको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। जब सामने भी देखे उनके बोल्डनेस, उनके आवाज सुन के जो पावर और एनर्जी मिलता था वो अलग ही फील था। यस एग्जैक्टली। एंड जैसा इन दोनों ने बोला, इट वाज अनबिलीवेबल पहले तो, एंड उसके बाद भी एक्टिंग के अलावा ऑफ सेट्स में जब उन्होंने सामने से आके हम लोगों से बात की, इतना कैजुअली और इतना हमली उन्होंने बात की हमसे ना, तो इट वाज लाइक वेरी गुड। नागराज जी की हमेशा ही मूवी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और बहुत ही जाने माने वो एक हम कह सकते हैं निर्देशक और लेखक भी है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी उनकी हमेशा फिल्म होती है। उनके साथ भी आपने काम किया, क्या बताओगे आप? तो कहते हैं नागराज सर नॉर्मल लोगों को उठाते हैं और उनको एक्टिंग करनी सिखा देते हैं, लाइक नॉर्मल लोगों से अच्छी एक्टिंग करवाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा वही हुआ हमारे साथ, हम नॉर्मल लोग थे, नॉर्मली फुटबॉल खेलते थे, हमको उठाया और हमसे एक्टिंग करवा दी। ओके, ये आप क्या बताएंगे? एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कभी ऐसे जगह जाना मिलेगा सर के साथ। और फिर सर के साथ भी इंटरेक्शन हमारा काफ़ी रहा, ऑन सेट ऑफ सेट, हम लोग उनके साथ बास्केटबॉल खेलते थे ख़त्म होने के बाद, पोस्ट सेशंस में उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था। ओके, आप क्या बताएंगे? एंड आई हैव द सेम फीलिंग जो इन दोनों की है अभी, बट द मोस्ट थिंग जो मेरे को अच्छी लगी उन लोगों की, कि इतने बड़े पर्सनैलिटीज होने के बाद भी वो लोग इतने डाउन टू अर्थ है, हम लोग के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग। जितनी हम लोग बातें सुनते हैं कि ये लोग एक्चुअली डाउन टू अर्थ है, उस हिसाब से वो रियलिटी में भी उसी तरीके से। एग्जैक्टली। ओके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की आपकी, मतलब ये जो स्क्रीन टाइमिंग है वो किस तरीके का है, रोल किरदार किस तरीके का है, इसके बारे में? तो हमारा मेजरली रोल सद्भावना मैच में आता है, विच इज बिफोर द इंटरवल। ओके। एंड हम काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखते हैं एज अ टीम बिफोर द इंटरवल। तो दैट मैच इज अ टर्निंग पॉइंट स्लम सॉकर टीम के लिए, क्योंकि इट्स देयर फर्स्ट मैच एज अ टीम। वो मैच में उनको टीम स्पिरिट के बारे में भी पता चलता है, एंड अमिताभ बच्चन उनको बताते भी है कि सीरियसली ये गेम को लेना चाहिए। हाँ, हम लोग एज उनके अगेंस्ट खेलते हैं, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट देम, एंड हम लोग का वो खेलने में भी बहुत मजा आया और शूटिंग में भी काफी अच्छा था। Okay. और हम लोग का फर्स्ट सीन जब एज अ टीम हम लोग कैमरा के सामने आए, वॉज वेन हम लोग एक सर्कल में बैठे हैं एंड अमिताभ सर एज द जो स्लम के बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं, वो पीछे आके हमको देखते हैं कि हम लोग ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। Okay. वहां से हम लोग का प्रोमिनेंस दिखना चालू होता है। Okay. सीन में सोया। तो मतलब ये इसका कुछ तो भी ऐसे रियल लाइफ से कोई ताल्लुकात रखता है, ऐसा कुछ है क्या? या एक्चुअली द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, मतलब आपके इससे कोई? नो नहीं नहीं या एंड इवन इफ वी आर नॉट गोना से ऑन टेलीविजन, आपसे एक और सवाल ये था कि मतलब बहुत सारी मस्तियां आपने की होगी जब ये शूट हुआ होगा, कोई ऐसे फन मोमेंट जो आप हम बताना चाहो? तो हम बास्केटबॉल काफ़ी खेलते थे ड्यूरिंग, एंड बास्केटबॉल के टाइम पे बहुत हंसी मजाक होता था, एक दूसरे को
नए नए नाम दिए थे हम लोगों ने, वो नाम उसे बुलाते थे एंड काफ़ी एक अच्छी बॉन्डिंग चलती रहती थी सेट पे, तो वो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था। एंड लंच टाइम पे भी बैठ के हम काफ़ी एक दूसरे की स्टोरीज एक्सचेंज करते थे। नागराज सर हमको कभी उनकी स्टोरीज बताते थे, कभी उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स बताते थे कि वो कैसे है। दैट वॉज वेरी फनी टू हियर। या वो एक मतलब वो उनके प्रोडक्शन टीम के साथ इंटरेक्शन, फिर वो लोग अपने मस्ती बताते थे, वो मस्ती करते थे और हम लोग को भी उसमें इन्वॉल्व करते थे, वो बहुत मजा आता था उन लोग के साथ। एंड वन मेन थिंग व्हिच आई रिमेम्बर फ्रॉम द शूट इज दैट वो जो स्लम के बच्चे थे जिनको लीड रोल दिया है, दे आर सो टैलेंटेड इन रियल लाइफ ऑल्सो। मेरे को अभी भी याद है कि ग्राउंड पे हमारा फुटबॉल का एक सीन शूट हो रहा था एंड शायद आर्यांशी था जो वहाँ के एक बच्चे के साथ फेस ऑफ कर रहा था रैपिंग में। Like, so that was really fun. Okay, okay. एक आखिरी सवाल आप तीनों से कि जितने भी दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं झुंड तो बहुत ही ज्यादा अपना कमाल बिखेर रही है, पर एक अपील जो सभी दर्शकों को आप BCN के माध्यम से कहेंगे आपकी फिल्म के लिए। तो ये मूवी नागपुर में बनी है, ये मूवी नागपुर के लिए और नागपुर के लोगों के लिए, तो नागपुर के लोग अगर सपोर्ट करे, जाके देखे और इस मूवी से काफ़ी कुछ सीखे तो अच्छा होगा। ओके, आप क्या बताएंगे? यस, ये स्टोरी तो एक ट्रू इंसिडेंट और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो प्लीज़ डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच। एंड वो इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है वो स्लम सॉकर के थ्रू कि जो फुटबॉल को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है, एंड इट इज़ मेकिंग फुटबॉल अवेलेबल फॉर एवरी वन लाइक ग्रास रूट्स लेवल पे तक के। सो प्लीज़। एंड स्लम्स के जो बच्चे जिस नज़रिए से हम उनको देखते हैं वो वैसे नहीं है, बहुत मजबूरियाँ होती है जो उनको वैसा बना देती है। एंड कैसे ये विजय सर जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है वो कैसे फुटबॉल को एक मीडियम बना देते हैं बच्चों को जीने का, तो इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, सो डेफिनेटली यू गाइस शुड वॉच। ओके ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं जुन जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हमने इनके कुछ कलाकारों से भी बात की, बताया उन्होंने कि किस तरीके से उनकी ये जो एक्सपीरियंस था अमिताभ सर के साथ, नागराज सर के साथ कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच आप हमारे स्टूडियो में आए, इट वॉज एक्चुअली ग्रेट हैविंग विथ यू अस टुडे। और दर्शकों हमारी इस खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।